हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल हैं आपकी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरी लास्ट टू वीडियोस को आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया, जिसमें मैंने मेरे स्कार्स को एंड पोर्स को हाइड करना बताया है। पर बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि कम से कम प्रोडक्ट यूज़ करके बताएं कि कैसे हमारे स्कार्स को हाइड करें। सो बेसिकली इस वीडियो में हमने हमारे स्कार्स को हाइड करने के लिए सिर्फ दो ही प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, कंसीलर एंड पाउडर। सो उम्मीद करती हूँ उन दोस्तों को जिनको कम मेकअप पहनना अच्छा लगता है, उनको कुछ आइडिया मिल जाएगा कि वो कैसे अपने स्कार्स को हाइड कर सकते हैं। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, इस वीडियो में इंटरेस्टेड है, तो प्लीज़ देखते रहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि आप फ्यूचर में कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो सबसे पहले मेक श्योर करें कि आपकी स्किन अच्छी तरह मॉइस्चराइज है। मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने ओरिजिन की जिनसिंग वाली क्रीम यूज़ की है। आप कोई सी भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करें जो भी आपको अच्छी लगती है। इस ट्यूटोरियल में हम यूज़ करेंगे दो प्रोडक्ट्स, पहला है कंसीलर, दूसरा है पाउडर। और अगर आप सेटिंग स्प्रे यूज़ करना चाहते हैं तो ज़रूर से करें। सो अब ये है कि कंसीलर ऐसा यूज़ करें जिसकी कंसीलिंग पावर लाइक कवरेज अच्छी हो। मैं जो कंसीलर आपको रेकमेंड करती हूँ वो है ब्रांड मिलानी से, जिसका नाम है कंसील प्लस परफेक्ट। ये है लॉन्ग वेयर कंसीलर और जो शेड मैं यूज़ कर रही हूँ उसका नाम है नेचुरल सैंड एंड नंबर है 150। सो इस कंसीलर को लेके मैं सिर्फ उसी एरियाज पे लगाऊंगी जहाँ पे मुझे कवरेज की ज़रूरत है, क्योंकि हम कम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और एवरी डे के लिए हम नहीं चाहते कि हमारे फेस पे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हो। तो ये रूटीन मैं अपनाती हूँ। सबसे पहले मैं सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, क्योंकि सनस्क्रीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किन केयर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सनस्क्रीन, स्पेशली जिनके स्कार्स हैं उन्हें तो बहुत ज्यादा जरूरत है, अदरवाइज ये जो स्कार्स है वो और डार्क होते जाएंगे। सो मैं सनस्क्रीन लगाने वाली हूँ स्पेशली स्कार एरिया में। पहले मैंने अपने पूरे फेस पे ऑलरेडी लगा लिया था। सो जो सनस्क्रीन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है वो है ब्रांड शिशिरो से, आई होप आप देख पा रहे होंगे। और ये क्लियर है और इसकी प्रोटेक्शन है 50+। सो 50+ इज रियली गुड फॉर मी। और इससे क्या होगा कि स्कार्स और ज्यादा डार्क नहीं होंगे, और जो मैं अपने स्कार्स के लिए काम कर रही हूँ लाइक उनको लाइट करने के लिए, उसमें मदद ही होगी। सो अब हम लेंगे कंसीलर, सिर्फ उसी जगह पे लगाएंगे जहाँ पे हम कंसील करना चाहते हैं। इसको बोलते हैं स्पॉट कंसीलिंग, क्योंकि हम कम प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, ये काइंड ऑफ एवरी डे है। सो हम सिर्फ उसी एरिया पे लगाएंगे जहाँ पे हमारे स्कार्स हैं। सो बाकी सारा एरिया मैंने छोड़ दिया है। सो इससे क्या होगा कि आपके स्कार्स तो कवर होंगे, पर जो आपकी फिनिश होगी वो ऐसी होगी कि आपकी नेचुरल स्किन है, क्योंकि आपकी नेचुरल स्किन की इम्परफेक्शन स्पीक करती रहेंगी, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए है। सो थोड़ा सा यहाँ पे लगा लेते हैं, अदरवाइज डैबी सा फेस हो जाएगा दो चार कलर्स का। सो अब बारी आती है, इसको थोड़ा सा सेट होने दें, जहाँ पे है वहीं पर रहने दें। एकदम से ब्लेंड करेंगे तो वो कवरेज नहीं आएगी, वो उतर जाता है। हम थोड़ी सी वेट करते हैं, नन्ही सी, बहुत नन्ही सी, लाइक 30-40 सेकेंड्स। इधर उधर की बातें सोच रहे हैं तब तक, जो भी सोचना चाहते हैं, नहीं सोचना चाहते तो जो भी करो यार। ओके, सो आज है संडे, हम लोग जाने वाले हैं बाहर क्योंकि दिन बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ पे जब दिन अच्छा होता है तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, स्पेशली जब सर्दियों में सनी दिन आता है तो हैप्पीनेस की कोई हद नहीं रहती। हमारे वैसे इस साल सर्दियाँ काफ़ी अच्छी गई हैं, यूजली बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स आते हैं या बहुत ज़्यादा स्नो रहती है, इस टाइम बहुत अच्छा गया, आई एम वेरी हैप्पी। सो हमारा वेक ख़त्म हो चुका है, अब मैं ब्लेंड शुरू करूँगी। अब ब्लेंड करेंगे डैबिंग मोशन में, ये छोटा ब्रश लेंगे जो कि बहुत डेंस है, और इससे मुझे ब्लेंड करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे कवरेज बहुत अच्छी रहती है। अदरवाइज़ अगर कोई और ब्रश यूज़ करो, बड़ा करो, तो वो रिमूव कर देता है कंसीलर को उसकी जगह से। सो बहुत हल्के हाथ से, बहुत हल्के प्रेशर से इसे डैप करेंगे। जब आपने प्रोडक्ट को प्लेस पे डैप कर दिया, उसी ब्रश से थोड़ा थोड़ा इधर उधर भी कर दें ताकि पैची स्किन नहीं लगे कि एक जगह पे पैची है, अदरवाइज अजीब लगेगा। अगली चीज़ है जो इस काम के लिए आप कंसीलर यूज़ करेंगे, कोशिश करें कि वो आपकी स्किन से बहुत ज़्यादा मैच करता हो, वो लाइट नहीं होना चाहिए, डार्क नहीं होना चाहिए, आपकी स्किन के जैसा होना चाहिए। सो फिर आपको सारी स्किन को कवर करने की ज़रूरत नहीं है। सो स्पेशल स्कार वाले एरिया पर डैप करें एंड देन उसी ब्रश से थोड़ा थोड़ा इधर उधर लगा दें, हम और प्रोडक्ट नहीं लेंगे। इसी ब्रश को मैं अंडर आइज पे भी घुमा दूंगी थोड़ा, क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ी सी कवरेज चाहिए। अगर आप अलग से कंसीलर लगाना चाहते हैं वहाँ पे तो शौक से लगाएं, पर मैं आज लगाने के मूड में नहीं हूँ। सो इसी तरह इसको थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर देंगे ताकि स्किन पैची नहीं लगे। सो आप देखिए कि काफ़ी अच्छी कवरेज आ चुकी है, अब हम इसे छोड़ देंगे, बहुत ज़्यादा ब्लेंड कर करके रिमूव नहीं करेंगे, थिंग लाइक दिस। इसी तरह इस तरफ कर देंगे,
सो कंसीलर से हमारे स्कार्स हो चुके हैं कंसील. अब मैं इस कंसीलर को सेट होने देती हूँ, एकदम से पाउडर नहीं लगाती क्योंकि फिर मेरा फेस हो जाता है केकी, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है. केकी मतलब कि वो ऐसा लगता है कि बहुत सारा प्रोडक्ट लगाया है. अब मैं अपने आईब्रोज को फिल कर लूँगी और थोड़ा सा आई मेकअप कर लेती हूँ और देन मैं आपको वापस आके मिलती हूँ कि अगला स्टेप कौन सा है. ओके, सो आई एम ऑलमोस्ट डन विद माय आई मेकअप एंड विद माय ब्रोज. आई एम यूजिंग सिमोर लैशेज नाउ. द स्टाइल आई एम यूजिंग इज दुबई. सो इफ यू हैवंट वॉच इट येट, गो एंड चेक माई वेबसाइट. वी हैव 9 डिफरेंट स्टाइल्स नाउ एंड माई वेबसाइट्स नेम इज simorlashes.com. आई एम गोना लीव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज गो देयर एंड चेक इट. सो आई एम गोना पुट माई लैशेज ऑन एंड यू गाइज कैन सी योर सेल्फ हाउ मच डिफरेंस इट विल मेक इन माई लुक. सो आई मेकअप एंड आईब्रोज के बिना मैंने मेरे चेहरे पर कुछ भी नहीं किया है. सो जो मैंने कंसीलर लगाया था वो अभी भी सेट हो रहा है. मैं इसको काफ़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देती हूँ ताकि जब मैं पाउडर लगाऊँ फिर वो केकी ना हो जाए, जैसे मैंने पहले कहा. सो यहाँ अब लैशेज लगा लेते हैं. लैशेज लगाने के लिए जो ट्वीज़र मैं यूज़ कर रही हूँ, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है, जो मुझे अच्छा लगता है वो मेरे बैग में है या फिर मेरे वॉशरूम में होगा. मैं और क्या करें, अब इसी से काम चलाना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम छोड़ूँ जाके लेके आने के लिए. यार आई नीड छोटा शीशा टू. ओके, आई एम गोना यूज दिस छोटा शीशा. ओके, अगर आप जानना चाहते हैं कि लैशेस को कैसे इजी तरीके से लगाएं, मेरे पास एक बहुत अच्छी वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, जल्दी से जाएं और देख लें. आई लव दिस स्टाइल मैन, ये कितना ब्यूटीफुल और कितना नेचुरल सा है, पर विस्पी भी है. ओके, वंस आई एम डन विद माई आई मेकअप और ब्रोज और अब आ जाती है मेकअप को सेट करने की. उसके लिए मैं निक्स का नो फिल्टर पाउडर यूज़ कर रही हूँ. सो बेसिकली हमने सिर्फ कंसीलर एंड पाउडर यूज़ किया है इस लुक के लिए, उसके बिना कुछ भी नहीं. सेम ब्रश ले रही हूँ मैं, उस पर अच्छे अमाउंट में पाउडर लूँगी और डैप कर दूँगी एक्सेस को. आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पाउडर लें. सो इसे उस एरिया पर लगाएं जहाँ पर आपने कंसीलर से कंसील किया है. इस पाउडर का ये अच्छा है कि इससे थोड़ी कवरेज भी आ जाती है और जो आपने कंसीलर लगाया है वो सेट हो जाएगा, लॉक हो जाएगा तब तक के लिए जब तक आप अपने चेहरे पे से मेकअप रिमूव नहीं करते हैं. इसी को मैं सारे चेहरे पे थोड़ा थोड़ा लगा दूंगी ताकि स्किन पैची नहीं लगे. सो इस पॉइंट पे यू आर गुड टू गो. आपका मेकअप बिल्कुल डन हो चुका है, पर मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहती हूँ. उसके लिए मैं मेकअप रेवोल्यूशन का हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ. ये ऑप्शनल है, आपको अपना फेस हाईलाइट करने की ज़रूरत तो है नहीं, पर अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, पर आपके स्कार्स कंसील हो चुके हैं. सो जो मेन पॉइंट है कम प्रोडक्ट के साथ करने का, वो हमारा काम हो चुका है और अब आलतू फालतू चीज़ें करने की ज़रूरत है नहीं, पर अगर आपके पास समय है चीज़ें करने का तो करें. सो अगर आप अपनी पसंद का ब्लश ऐड करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं, पर वो भी ऑप्शनल है. सो मैं वेट एंड वाइल्ड का मेलो वाइन यूज़ कर रही हूँ मेरी स्किन पे, मेरे फेस पे. सो इस पॉइंट पे आप डन हैं, आपके स्कार्स कंसील हो चुके हैं. अगर आप स्प्रे यूज़ करना चाहते हैं ताकि और लॉन्ग लास्टिंग हो और डुई सा लगे चेहरा, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं. मैंने एक कमेंट पढ़ा था किसी का कि कौन सी स्प्रे ड्राई स्किन के लिए अच्छी है, कौन सी ऑयली के लिए. ये वाली स्प्रे है जो मेबलिन की लास्टिंग फिक्स एक्चुअली है मैट फिनिश के लिए, ये कोई भी बंदा यूज़ कर सकता है. सो अगर आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, नेचुरल है, न्यूट्रल है, नॉर्मल है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं. सो बेसिकली इस वीडियो में हमने सिर्फ दो प्रोडक्ट्स के साथ हमारे चेहरे को कंसील किया है. सो मैं कट्रीज की लिपस्टिक यूज़ करने वाली हूँ जो कि है मैट, अल्टीमेट मैट, और नंबर है 090. इसको मैं अपने लिप्स पे लगा लूँगी. सो मैंने यूज़ की है कट्रीज की लिपस्टिक अल्टीमेट मैट जिसका नंबर है 090 और अब हमारा लुक से डन है हम बिल्कुल. सो दैट इज़ इट विद दिस वीडियो. मुझे लगता है आपने इस वीडियो को इन्जॉय किया होगा और आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. मुझे कमेंट बार में ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी है ये वीडियो और आप और कौन सी वीडियो फ्यूचर में देखना चाहते हैं. मुझे मेरे सोशल मीडिया में फॉलो कर लीजिए, स्पेशली इंस्टाग्राम. मैंने सारे लिंक्स मेरे सोशल मीडिया के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहाँ पर जाएँ और मुझे फॉलो कर लें, बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगी मैं. और लाइक ज़रूर करें वीडियो को क्योंकि उसी से पता चल रहा है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं या नहीं. सो मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज़ आर ब्यूटीफुल जस्ट द वे यू आर. स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग. वी गाइज कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग. ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. दैट्स इट. बाय लालू.